देश नहीं जो विकास परियोजनाओं के बहाने पड़ोसियों को जाल में फंसता है और अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश करता है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो उन्होंने मॉरिशस की नई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के उद्घाटन भाषण के दौरान दिया था। इसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से बिना नाम लिए चीन पर जोरदार तंज माना गया, जो कि किसी हद तक सही भी है, क्योंकि चीन ने नेपाल और पाकिस्तान को तो अपने कर्ज के बोझ तले ही इतना दबाया हुआ है कि अब उनका फायदा उठा रहा है और अब चीन अपनी इसी रणनीति पर चलते हुए मालदीव्स पर भी दबाव बना रहा है। जी हाँ, कोरोना काल में चीन ने मालदीव को रकम चुकाने के लिए कहा है। चीन के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ने राष्ट्रपति इब्राहिम सोली की सरकार से कहा है कि वो 10 मिलियन डॉलर की रकम चुकाए। माना जा रहा है कि रकम सन ग्रुप को दिए गए 127 मिलियन डॉलर के कर्ज की किश्त है जो संप्रभु गारंटी के तहत दिया गया था। आमतौर पर संप्रभु गारंटी सरकारों और सरकारी उपक्रमों को ही मिलती है। चीन ने संप्रभु गारंटी के तहत कुल 9 बिलियन डॉलर का कर्ज बांटा हुआ है, जिसमें से सन ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी सरकारी उपक्रम हैं। संप्रभु गारंटी के तहत डिफॉल्ट पर राज्य या फिर देश को कर्ज चुकता करना पड़ता है। अगर सोली सरकार कर्ज चुकता करने से इनकार करती है तो इसे ग्लोबल क्रेडिट मार्केट में मालदीव्स की साख पर असर पड़ सकता है, और अगर चुकाती है तो उससे करेंसी की वैल्यू गिरेगी और फॉरेन ट्रेड पर असर पड़ेगा, और मालदीव्स की पहले ही हालत बहुत खस्ता है। ऐसे में चीन का रकम मांगना मालदीव्स पर दबाव बनाने की तैयारी भर है। चीन ने मालदीव्स को कितना कर्ज दिया है इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये करीब 3 बिलियन डॉलर है। आपको बता दें, चीन की अपने से कमतर देशों को कर्ज देकर उन्हें अपने कर्ज के बोझ तले दबा देने की रणनीति बहुत पुरानी है। 68 में से 49 देशों को सबसे ज्यादा कर्ज चीन ने दिया है। 2018 में चीन के प्रति कुल 102 बिलियन डॉलर की देनदारी थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 68 में से 27 देश ऐसे हैं जो कर्ज की वजह से बेहद परेशानी में हैं। आधे से ज्यादा देशों में तनाव की वजह चीन है, और अब मालदीव्स में इसी तरह के तनाव को उत्पन्न करने की चीन ने साजिश रच डाली है।